इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस को समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवाद एवं गलत धारणाओं के प्रति जागरूकता फैलाने, मनोरंजन, ज्ञान व जानकारी बांटने के उद्देश्य से बनाया गया है। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मैं हूँ संजीत कुमार गिरी और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे सवाल जो हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम उनके पीछे की सच्चाई जानते हैं? अगर नहीं तो फिर देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। साइंस एंड सुपरस्टिशन पार्ट वन, विज्ञान और अंधविश्वास प्रथम भाग। आज का पहला प्रश्न है, मम्मी मच्छी को काट कर क्यों फ्राई करती है? सुनने में अजीब लगा होगा, कैसा प्रश्न है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही मुझसे किसी ने पूछा है। ये प्रश्न पूछा गया एक छोटी सी बच्ची, इसका नाम है मिनी। चलिए चलते हैं मिनी के यहाँ, देखते हैं क्या चल रहा है। मिनी पूछती है अपनी मम्मी से, जो मछली फ्राई कर रही थी, मम्मी आप ये मछली काट के क्यों फ्राई कर रहे हो? माँ ने जवाब दिया, बेटा मेरी माँ ऐसी किया करती थी। मिनी ने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, पता नहीं, उन्हीं से पूछ लो। मिनी चल दी अपनी नानी के पास, बगल में ही नानी का घर था। पहुँची वहाँ, पहुँचते के बाद पूछती है मिनी, नानी माँ एक बात बताओगी? नानी ने पूछा, पूछो। कि आप मच्छी को काट के क्यों फ्राई करते थे? नानी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी माँ ऐसा किया करती थी। मिनी ने पूछा, क्यों? नानी का वही जवाब, पता नहीं, मेरी माँ से जाके पूछो, यानी परनानी से। लकीली सौभाग्य ऐसा था, हम लोग का ऐसा होता है नहीं प्रायः, मुझे नहीं पता, मेरा तो नहीं है, शायद आपका हो, कि उसकी परनानी भी जिंदा थी। पहुँच गई मिनी परनानी के पास, उससे पूछा, परनानी एक बात बताओ, यानी बड़ी नानी जो भी कहते हो, कि आप मच्छी काट के क्यों फ्राई करते थे? परनानी बोलती है, ओ ध्यान से सुनना बेटा, हमारे समय में, जो हमारा एज था से 100 साल पहले के हो या 75 साल पहले, रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, संसाधन बहुत कम, फैमिली बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली, घर में जो मछलियाँ थोड़ी भी बड़ी साइज की आ जाए तो हमारा जो पैन होता था बहुत छोटा सा, उसमें फिट नहीं होता था, तो मैं उसको काट के फ्राई करती थी और फिर काम में लेती थी। क्यों ऐसा तुमने क्यों पूछा? मिनी कही, नहीं कोई बात नहीं माँ, नानी माँ, बस दिमाग में ऐसा कुछ उत्तर है, प्रश्न है, मैंने पूछ लिया। तो बात समझ में आया आप लोगों का, एक छोटे से इंस्टेंस यानी एक उदाहरण से कुछ समझ में आया होगा कि बहुत सारी ऐसी ही प्रथाएं हैं जो हम करते तो जुड़ हैं लेकिन पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है, बस इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो मेरा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होता है कि अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के बाद स्नान क्यों करते हैं? सभी करते हैं, हम आप सब करते हैं, शहर में जो तरीका हो, गांव में, हम लोग के गांव में प्रायः हम लोग देखते हैं कि जहाँ अंत्येष्टि हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ से रास्ते में लौटते समय बगल में तालाब हुआ या पोखर है, झील है या नदी है, वहाँ पे लोग स्नान करते हुए ही घर में आते हैं, पत्थर हो, मिर्च हो, जो भी हो उसको छू के अंदर आते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, पूछे किसी से जाके पता कीजिए कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। तो बस ये परंपरा चला आया, हमारे धर्मों में ऐसा बात कहा गया है, जो भी है, फलाना, इसके पीछे का साइंटिफिक बात मैं बता रहा हूँ, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। दरअसल बात यह है कि आज का ज़माना यानी आज के ज़माने में हम सभी आदमी टीकाकरण ले चुके होते हैं बहुत सारी बीमारियों का। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी या उस समय ऐसा कोई विज्ञान विकसित नहीं था जिससे उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ टीकाकरण दिया जाता हो। तो जब अंत्येष्टि वो लोग करके आते हैं तो मृत शरीर के कारण, यानी जो मरे हुए, जो वहाँ पे जो भी डेड बॉडी है उसके कारण कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे बचाव करने के लिए लोग प्रायः पुराने ज़माने में स्नान करके घर में आया करते थे। आपको क्या लगता है, आज भी ऐसी ही स्थिति है? चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम आम तौर पे कभी जाते हैं, देखे होंगे, जैसे कि मैं कभी कभी गंगा के आसपास से गुजरता हूँ या उसके ऊपर से, नदी पर से, पुल पे से गुजरता हूँ, तो मैं प्रायः बचपन में बता रहा हूँ, छोटी का बात है अभी तो नहीं, कि माँ कहा करती, बेटा ये ले 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का डाल दे गंगा नदी में। पूछता था क्यों, तो भाई पुण्य मिलता है। पुण्य कैसे मिलता है, समझ में तो आया नहीं, चलिए मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ कि पुराने ज़माने में, बहुत पहले चल जाए, 100-150 साल पहले, तो जितने भी सिक्के बनाए जाते थे वो आमतौर पर तांबे के बने होते थे, ठीक है,
और तांबा के बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं है, आजकल सभी अपने घर में प्रायः इस्तेमाल करते हैं तांबे का बर्तन में पानी पीने के लिए, कि वो अधिकतर बैक्टीरिया 99.9% ख़त्म कर देता है। आप जैसा कि बहुत सारे ब्रांड के वाटर प्यूरीफायर में भी देखोगे कि ऐसा बताता है कि उसमें कॉपर का लगा हुआ है कुछ ऐसा सिस्टम जो पूरा जीवाणुओं को विषाणुओं को समाप्त कर देता है। तो पुराने ज़माने में लोग नदी के पानी को ही पीने में इस्तेमाल किया करते थे और पानी शुद्ध रहे, साफ रहे, इसलिए आते जाते जो भी लोग हुआ करते थे वो तांबे का सिक्का जो था गिरा दिया करते थे, जिससे पानी स्वच्छ बना रहे। आपको क्या लगता है आज के ज़माने में कितने लोग नदी के पानी पी रहे हैं और कौन सा हम लोग जो सिक्का डालते हैं वो तांबे का बनता है? नहीं बनता। तो फिर ये परंपरा को हम लोग झेल रहे हैं, ढो रहे हैं और कहीं ना कहीं आज भी नदियों को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि मानव पे छिपकली का गिरना अशुभ क्यों माना जाता है? अब आप कहेंगे अशुभ का बात तो यहाँ लेफ्ट राइट का भी एक क्या कहते हैं तड़का चलता है कि मेल है पुरुष है तो राइट उसको ले लो, फीमेल है तो ले लो, ज्योतिष में ये सब देखेंगे आप। आमतौर पे छिपकलियाँ अपना आत्मरक्षा करने के लिए वो अपने शरीर से बहुत ही ऐसा जहरीला केमिकल कहें रसायन छोड़ते रहती है अपने सुरक्षा के लिए। जब वो कहीं गिरती है तो वो उस चीज़ को भी दूषित कर देती है, हमारे बदन पे गिरे या खाने की चीज़ों में गिरे तो उसको दूषित कर देती है, पॉल्यूटेड, जिससे स्वास्थ्य विकार उत्पन्न हो सकता है। अगर ज़्यादा लेवल बढ़ गया उस केमिकल का तो शायद हम मारे भी जा सकते हैं, जो भी है, या फिर सुने भी बहुत सारे ऐसा केस हम लोग सुनते हैं। तो उस समय होना क्या चाहिए, छिपकली जब भी बदन पे गिरे जाके स्नान कर लो भैया, क्लियर हो गया। जिस खाने में गिरे उस खाने को जाके डिकम्पोज कर दो, जो भी है कहीं डाल दो ऐसा, हाँ, इससे अपशगुन या शगुन होने वाला कुछ नहीं है, आप जितना सोचोगे उतना आपके दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है। चलिए चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ और शायद ये अंतिम प्रश्न होगा आज का, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न है कि इमली, पीपल, जामुन, महुआ ऐसे पेड़ों पे भूत रहता है। अब पूछोगे क्यों भूत क्यों रहता है, तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जब मैं छोटा था तो पिताजी से बैठ के बराबर कहानी सुना करता था। तो उन्होंने एक बार कहानी मुझे सुनाया पिताजी ने, बेटा मैं आम के, हाँ आम का भी पेड़ ले सकते हैं, आम का पेड़, एक आम के पेड़ गाछी में मैं रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था और रात के जब 1-1.5-2 बजे तभी मेरा दम घुटने लगा, हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ गए, जैसे लगा कोई मैं छाती में बैठ गया। मैंने हनुमान चालीसा हड़बड़ में यानी डर के कारण पढ़ा और सभी क्लियर। तो ये क्या था, सच में कोई भूत आ गया था? भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी जानते हो और सभी बच्चे बच्चे आजकल जान रहे हैं, सभी समझते हैं कि सुबह के समय सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपने सांस लेने की प्रक्रिया में, ब्रीदिंग में, ओके। लेकिन फोटोसिंथेसिस यानी कि अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रोसेस दिन भर जब तक सूर्य उगा रहता है। रात के समय क्या होता है कि ये प्रोसेस रुक जाता है, यानी खाना बनाने का प्रोसेस रुक जाता है, यानी कि ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस रुक जाता है, उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है, उनके सांस लेने का प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब है कि वो रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब एक बंदा पेड़ के नीचे सो गया, पेड़ के आस पड़ोस का जितना भी ऑक्सीजन था पेड़ ने ले लिया अपनी ब्रीदिंग के लिए, छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, इंसान के लिए बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए। अब कितना देर तक कार्बन डाइऑक्साइड लेने के काम चलाएगा या थोड़ा सा कम मात्रा में ऑक्सीजन, एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर सफोकेशन आ जाता है, घुटन आ जाता है और आपको लगता है कि भाई मेरी छाती में कोई बैठ गया, जकड़न आ जाता है, हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। यही कारण है लोग इसको अदरवाइज लेके ये समझ लेते हैं कि भूत है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके बताएं, कोई सवाल या कोई डाउट हो वो भी लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसा ही मनोरंजक वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें कि नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी सुरक्षित स्वस्थ रहें, जय हिंद।